वेल तो जी फैंटासी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटासी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूं कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप

बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजस सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ

अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस, इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजीली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस चैनल के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के एक्शन भी, भी, भी हो और आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूं उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों

बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहां पर रिलीज हो चुकी मूवी हनुमान के बारे में बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजीली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैन के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूं उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहां पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहां पर आप लोगों को नेम बता देता हूं मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो हम लोगों को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस को इस मूवी एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिल अवेलेबल है आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों

बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी पहले बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटासी लवर हैं आप लोगों को फैंटासी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहां पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ तो साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो हम लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के, तो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को तो एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी पहले बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों

हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटैसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजस सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज़ महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों

भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटासी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ भी तो भी तो पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस चैनल के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोग को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक हर एक एक मूवी के के लिए लिए सीरीज तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटासी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनल के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटासी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटासी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप

बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस को इस मूवी एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोबी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूं उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों

बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटैसी लवर हैं आप लोगों को फैंटैसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ़ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की तो क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजीली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटेसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटासी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहां पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ तो साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे भी बोला जा रहा है इसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो हम लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024 में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने, सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को तो एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी पहले बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल well, तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जैनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटेसी के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहां पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ तो साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है ऐसे हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहाँ पर हनुमान ही बोलूँगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजा सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी पहले बता दिया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना वेल तो जी फैंटैसी ये एक ऐसा जेनर है जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारे लोग इस जेनर के रिलेटेड अगर आप लोग भी मेरी तरह फैंटेसी लवर हैं आप लोगों को फैंटैसी के रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है उसमें एक्शन भी हो ड्रामा भी हो एडवेंचर भी हो और उसमें आप लोगों को भरपूर अंदाज में फैंटेसी भी देखने को मिले तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो मूवी बताने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप लोगों को फैंटेसी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शन भी देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नेम बता देता हूं मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं तो साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हनुमान के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे भी हनुमान भी बोला जा रहा है हनुमान भी बोला जा रहा है बट बेसिकली तो हनुमान ही वर्ड है तो मैं यहां पर हनुमान ही बोलूंगा तो हनुमान मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी हनुमान के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तेजस सज्जा देखने को मिलेंगे

परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है और इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन और क्राइम के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्शन है एडवेंचर है क्राइम है ड्रामा है ये सब कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है जी हाँ तकरीबन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए एंड आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत अच्छे तरीके से यह मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग भी मैंने बता दिया लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को करता हुआ कौन नजर आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी प्रशांत वर्मा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ हनुमान के अलावा उन्होंने दी है जी दैट इज महालक्ष्मी जोम्बी रेड्डी काल की और ए डब्ल्यू ई जैसी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था एंड ये मूवी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है जी जी फाइव पर ईजिली अवेलेबल है आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस आप लोगों को देना